ये हमारा सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया, मैं अपने फ्रेंड को भेज रहा हूँ बाहर और वहां से जाके पूरा लाइव फीड मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। विदित, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? दोस्तों, अगर आपका YouTube या Facebook पर कोई न्यूज चैनल है या फिर आप लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। जैसा कि आप जानते हो, न्यूज चैनल के लिए ताजा ताजा न्यूज का होना बहुत जरूरी है। मान लो कहीं कोई घटना हो जाती है, इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे में आपको ग्राउंड जीरो पर अपने रिपोर्टर को भेजना पड़ता है और आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने सारे उपकरण, सारा तामझाम, कैमरा डिवाइसेस लेके उसे नहीं भेज सकते। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं जिसमें आपको किसी भी तामझाम की जरूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ एक मोबाइल फोन होना चाहिए। मोबाइल फोन से ही आप बेहतरीन क्वालिटी की फीड भी भेज पाओगे, लाइव भी कर पाओगे और आपका जो रिपोर्टर है उससे आप लाइव बात भी कर पाओगे। अब मोबाइल फोन में आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। जैसे कि आप जानते हो, दूर दराज के जो इलाके होते हैं वहां पर इंटरनेट की भी काफी समस्या होती है। अगर इंटरनेट प्रॉपर नहीं होगा तो आपकी लाइव फीड भी प्रॉपर नहीं आएगी और लाइव स्ट्रीमिंग भी प्रॉपर नहीं आएगी। लेकिन जो मैं एप्लीकेशन बता रहा हूं इसमें आपको सेलुलर बॉन्डिंग की सुविधा भी मिल जाती है, जिससे कि आप अगर ऐसे एरिए में हो जहां पर इंटरनेट प्रॉपर नहीं चल रहा है तो वहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सेलुलर बॉन्डिंग की सुविधा भी इसके अंदर मिल जाती है। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन पर इंस्टॉल कर लेना है। आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और यहां पर आपको सर्च करना है ओमनी स्ट्रीम। तो यहां पर आप देख रहे हैं ओमनी स्ट्रीम लाइव वीडियो क्रिएटर, ये वाला एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल फोन पर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे पहले से ही इसे इंस्टॉल कर रखा है। ओमनी स्ट्रीम ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जब आप ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप इस कूपन कोड को इस्तेमाल करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड है SUMIT10OFF। ओमनी स्ट्रीम ऐप हिंदी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्टर कर लेना है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और आपको अपना एक पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेना है और उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अब आपको इस ऐप में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद जो ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह आपने क्रिएट किया था वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। तो ओमनी स्ट्रीम ऐप को जब आप लॉगिन कर लेते हो तो इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे मोबाइल फोन का बैक कैमरा आपको यहाँ पर शो हो रहा है। इससे ऊपर राइट हैंड कॉर्नर में आप देखोगे तो यहाँ पर एक कैमरे का सिंबल आ रहा है। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर कैमरा सोर्स का ऑप्शन आ जाता है। आपको क्वालिटी क्या रखनी है, 1080p, वो सब ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कैमरा सोर्स पर आप क्लिक करोगे तो इसमें आप इंटरनल बैक कैमरा यूज करना है या फिर आपको फोन का इंटरनल फ्रंट कैमरा यूज करना है या फिर आपको अपना DSLR कैमरा अपने फोन से कनेक्ट करके उसे इस्तेमाल करना है या फिर किलो व्यू P1 P2 का ऑप्शन आ रहा है। इनमें से सारे ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, यानी आप इसमें एक्सटर्नल कैमरा भी ऐड करके इस्तेमाल कर सकते हो। अपने DSLR कैमरे को ओमनी स्ट्रीम में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। उसका लिंक ऊपर आई बटन मिल जाएगा, वहां से जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो। और यहां पर क्वालिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। आपको 1080p क्वालिटी करनी है या 4K क्वालिटी करनी है, सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके अंदर आपको H.265 और H.264 दोनों कोडेक ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। मैंने यहाँ पर MPG4 सिलेक्ट कर रखा है और 1080p क्वालिटी हमने सिलेक्ट कर रखी है, तो इसे क्लिक कर देते हैं। इसके अलावा बीच में आप देख रहे हो यहाँ पर आपकी स्पीड शो हो जाती है, जो आपकी अपलोडिंग स्पीड है वो यहाँ पर शो होगी। फिलहाल ये 5 MB/s पर मैंने इसे सिलेक्ट कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर एक प्लस का बटन आ रहा है, प्लस के बटन पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप लोगो ऐड कर सकते हो, लोअर थर्ड ऐड कर सकते हो, स्टार्ट सून का सीन ऐड कर सकते हो। तो इस तरह के आपको लोगो वगैरह ऐड करने हैं तो वो आप यहां से ऐड कर सकते हो। इसके अलावा नीचे की साइड यहां पर भी आपको कुछ फंक्शन बटन देखने को मिल जाते हैं। यहां पर एक लाइव का बटन आ रहा है, जो लाइव के बटन पर क्लिक करोगे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी या स्टॉप करनी हो तो स्टॉप कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर आपको रोटेशन का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने फोन की स्क्रीन का जो रोटेशन है उसे अगर आप लॉक करना चाहते हो तो यहां से लॉक कर सकते हो। साथ ही साथ यहां पर आपको इसके अंदर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन भी मिल जाता है। आप यहां से अपने कैमरे को जूम या जूम आउट करना है वो भी आप यहां से कर सकते हो। यहां पर हमें एक्सपोजर वगैरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहां से आप एक्सपोजर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहां पर एक माइक का ऑप्शन आ रहा है, यहां से आप इंटरनल माइक अगर आपको सिलेक्ट करना है तो वो आप यहां सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने एक्सटर्नल माइक अपने फोन पर कनेक्ट कर रखा है तो उसका ऑप्शन भी आपको यहां पर दिखाई देने लगेगा। आप अपना एक्सटर्नल माइक्रोफोन भी यहां पर उसका ऑडियो भी कनेक्ट करना चाहो कर सकते हो। अगर ऑडियो को म्यूट करना हो तो यहां से आप ऑडियो को म्यूट कर सकते हो। यहां पर 2x2 लिख के आ रहा है, 2x2 पर आप क्लिक करोगे तो यहां आप देख सकते हो इसके अंदर हमारा जो वाईफाई के थ्रू हमारा फोन कनेक्ट
कनेक्ट हो रखा है, तो वाईफाई और हमारे मोबाइल का डेटा एक साथ यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। यानी इस एप्लीकेशन में सेलुलर बॉन्डिंग का बहुत ही कमाल का फीचर हमें देखने को मिल जाता है। मान लो आप अपने फ़ोन को लेके कहीं ऐसे एरिए में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो, यूज़ करना चाहते हो जहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, तो आपको इसमें सेलुलर बॉन्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। आपको अपने फ़ोन में वाईफाई के थ्रू किसी दूसरे फ़ोन को कनेक्ट कर लेना है, जैसे कोई दूसरा फ़ोन है उसका हॉटस्पॉट बनाओ और उसके थ्रू अपने मोबाइल फ़ोन में उसे कनेक्ट कर लो वाईफाई के थ्रू, और आपके मोबाइल फ़ोन में जो सिम कार्ड लगा हुआ है उसके डेटा को और उस वाईफाई कनेक्शन को, दोनों को ये सेलुलर बॉन्डिंग का फीचर के साथ बॉन्ड कर देता है, जिससे आपको काफ़ी अच्छी इंटरनेट स्पीड देखने को मिल जाती है। बात करते हैं कि इसमें हम लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप एक एरो का बटन देख रहे हो, आपको इस एरो पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ओमनी स्ट्रीम एप्लीकेशन से आप चाहो तो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विच, टेलीग्राम या फिर कस्टम आरटीएमपी के थ्रू डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। लेकिन आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि मान लो हमारा रिपोर्टर कहीं गया हुआ है, ग्राउंड जीरो पर गया हुआ है, हम चाहते हैं कि वो डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग ना करके वहां से पूरा फुटेज, पूरा जो लाइव है, लाइव फीड है, वो हमें भेजे और उस फीड को हम अपने ओबीएस स्टूडियो में डाल के फिर हम यहां से लाइव करें, अपने ऑफिस से लाइव करें, तो उसका तरीका है एसआरटी वाला जो ऑप्शन यहां दिया गया है। यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एसआरटी लिसनर और एसआरटी कॉलर। तो आपको एसआरटी लिसनर पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी फीड नहीं करना है, सिंपल आपको जेनरेट पर क्लिक कर देना है। जेनरेट पर क्लिक कीजिए, जैसे ही आप जेनरेट पर क्लिक करोगे यहाँ पर स्ट्रीम, होस्ट, ये सारी डिटेल अपने आप ही जेनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपको सेव एंड क्लोज पर क्लिक कर देना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा एक एसआरटी लिसनर वाला ऑप्शन यहाँ पर ऑन हो चुका है। ये देखिए नीचे एसआरटी लिसनर वाला एक नया ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो गया है। इसके आगे एक शेयर का बटन आ रहा है, आपको शेयर के बटन पर क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा वीमिक्स ओबीएस। यहाँ पर आपको वीमिक्स ओबीएस वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहां से हमें इसे शेयर कर देना है, आप चाहो व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना या फिर ईमेल के थ्रू शेयर करना, वो हमें यहां पर शेयर कर देना है। व्हाट्सएप लिंक को मैं कर देता हूं व्हाट्सएप के थ्रू शेयर, तो यहां पर इसे हम यहां से क्रॉस कर देते हैं। हमारी सेटिंग यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। यहां पर जो लाइव का बटन दिया गया है, लाइव के बटन पर मैं इसे क्लिक कर दूंगा तो हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है यहां से स्टार्ट हो जाएगी। अब ये हमारा लिंक हमारे व्हाट्सएप पर पहुंच गया। उसके बाद सिंपली आपको अपना ओबीएस स्टूडियो ओपन कर लेना है और इस लिंक को आपको ओबीएस के अंदर लगा देना है। तो ओबीएस स्टूडियो में सोर्सेज में जाएंगे, प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया सोर्स पर क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर कोई भी नाम आप इसको दे दीजिए, उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर आप देख रहे हैं लोकल फाइल एक लिख के आ रहा है, इसके आगे टिक हो रखा है, इसे हमें अनटिक कर देना है। जैसे ही आप इसे अनटिक करोगे अब यहां पर आपको एक इनपुट का ऑप्शन दिखाई देगा, इनपुट वाले ऑप्शन में आपको वो एसआरटी वाला लिंक आपको पेस्ट कर देना है। वो लिंक मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, उसके बाद सिंपल ओके पर क्लिक कर दीजिए। काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी की फुटेज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप चाहो तो यहाँ पर कोई सीन वगैरह क्रिएट करना हो तो इस तरह का सीन भी आप यहाँ क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर मैं, मेरा फेस दिखाई दे रहा है, इस तरह के हम यहाँ पर सीन भी बना सकते हैं। अब कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं करना है, कोई सेटिंग नहीं करनी है, सिंपल आपको ये फ़ोन दे देना है अपने रिपोर्टर को और उससे बोल देना है कि भैया जाओ ग्राउंड जीरो पर जाओ और आपको सिर्फ ये लाइव वाला बटन दबा देना है। जैसे ही वो लाइव का बटन वहां पर दबाएगा आपकी लाइव फीड आपके ओबीएस में आनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप सिंपल लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पर करो या फेसबुक पर करो, वो सब आपके हाथ में है, आप ऑफिस में बैठकर उसे कंट्रोल कर सकते हो। ओबीएस स्टूडियो के अंदर जो आपकी फीड आपको यहां पर मिल रही है उसमें आपको उसकी ऑडियो भी मिलेगी, यानी जो आपका रिपोर्टर बोल रहा है वो भी आपको यहां पर सुनाई देगा, आपके ओबीएस स्टूडियो के अंदर आएगा और जब आप लाइव कर रहे हो तो आपके जो व्यूअर्स हैं उन्हें सुनाई देगा। लेकिन अगर आप चाहते हो रिपोर्टर से क्वेश्चन करना, बात करना, तो उसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है, आपको अपने दूसरे मोबाइल फोन से उसे कॉल मिला लेना है और आपका रिपोर्टर अपने कान में ईयरबड्स लगा लेगा और उसके थ्रू वो आपकी आवाज सुन सकता है। आप अपने मोबाइल फोन से उसे कॉल कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो और वो जो भी जवाब देगा वो आपको अपने मोबाइल फोन पर तो सुनाई देंगे ही देंगे, साथ ही साथ ओमनी स्ट्रीम के थ्रू आपकी फीड में भी आ रहा होगा, यानी ओबीएस के अंदर भी वो ऐड हो जाएगा। तो आपको दोनों की जो आवाज है, जो आप अपने स्टूडियो में बोल रहे हो, जो क्वेश्चन कर रहे हो, वो भी आपका ओबीएस के अंदर जा रहा है आपके माइक्रोफोन के थ्रू, और जो वो बोल रहा है उसकी आवाज भी ओबीएस में जा रही है आपकी फीड के थ्रू। ये हमारा सेटअप पूरा कंप्लीट हो गया। मैं अपने फ्रेंड को भेज रहा हूं बाहर और वहां से जाके पूरा लाइव फीड मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं। तो यहां पर इस तरह से आप अपना कोई
कोई भी लाइव का सेटअप कर सकते हो। जैसे जो हमारी लाइव फुटेज थी, ये हमारी मेन फुटेज यहाँ पर आ रही है, आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी की फुटेज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको अगर इसे सीन चेंज करना है, इस तरह से आप स्क्रॉलिंग टेक्स्ट वगैरह लगाना चाहो वो भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पर अगर आपको लाइव बात करनी हो तो सिंपल आपको फ़ोन मिला लेना है अलग से। अगर आप कॉलर से बात करना चाहते हो, जो आपका रिपोर्टर है उससे बात करनी है, तो आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर अपना फ़ोन मिला लेता हूँ, बात करता हूँ। विदित, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, इस तरह से बहुत ही आसानी से केवल एक मोबाइल फ़ोन से आप कहीं से भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, लाइव फीड भेज सकते हो, और वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।